उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जानू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है यार। अरे तो चलो ना डॉक्टर के पास, कब से कह रहा हूँ। थकन की वजह से हो रहा है नबील, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जानू जिद मत करो, और अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो सुबह मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा जानू। मेरी नहीं, अपने नाश्ते की फिक्र है नबील। नहीं जानू, मुझे तुम्हारी फिक्र है, नाश्ता तो मैं बाजार से भी ला सकता हूँ। ये तो कह रहा हूँ डॉक्टर के पास चलो ना यार। अच्छा सुबह तक अगर मेरी तबीयत ठीक ना हुई तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन अभी मेरे अंदर बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है। चलो ठीक है जानू। सुबह चांदी को स्कूल कैसे छोड़ूंगी यार। क्यों, ऐसा क्या हुआ जानू? यार मेरी तबीयत खराब है। अरे हाँ जानू, तुम फिक्र मत करो, चांदी को स्कूल मैं छोड़ दूंगा। वाकई नबील? हाँ जानू, चांदी के स्कूल जाने का तो मुझे बहुत शौक है, वहाँ इतने सारे बच्चों की मदर्स आती है ना। क्या मतलब? जानू मेरा मतलब ये है कि जब मदर्स आती हैं बच्चों को छोड़ने तो क्या फादर्स नहीं आ सकते? थैंक यू नबील। मेंशन नॉट जानू, मेंशन नॉट। कोई छुपे ना छुपे, मैं आ गई। माची चल पुत्र, ये दूध पी ले और सोजा शाबाश। थैंक यू माची, आपको कितना ख्याल है मेरा। चुपे, ये दूध मैं अपने पुत्र शमशीर के लिए लाई हूँ। नबील माँ जी। हाँ ये शमशीर मैं अपने पुत्र नबील के लिए लाई हूँ। देखना घर में पड़े पड़े मेरा पुत्र कितना वो हो गया। वो क्या माँ जी? ढीठ। नहीं नहीं, वो जो बीमारी में हो जाते हैं ना वो। कमजोर? हाँ मेरा पुत्र कमजोर हो गया। पी ले शाबाश पुत्र, पी ले। माँ जी बुखार तो मुझे है यार। हाँ तो बुखार में तो दूध नहीं पीते ना पुत्र, गर्म दूध पिएगी तो बुखार और तेज हो जाएगा। तो माँ जी पीने देना बेचारी को, इसे कमजोरी हो रही है। बकवास बंद कर, ये सब काम ना करने के बहाने। तू मुंह खोल के ना मेरी बात सुन ले मनीषा, सवेरे का नाश्ता तो तुझे ही बनाना होगा। जानू तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाँ बहुत। फिकर मत करो, सुबह नाश्ता मैं बनाऊंगा। प्लीज नबील इतना ख्याल मत करो मेरा। जानू आखिर तुम मेरी बीवी हो और अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। चलो अब सो जाओ, शाबाश। नबील अगर मुझे कुछ हो गया तो? जानू इस बार उसका नाम मैं खुद रखूंगा। नबील मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मर गई तो क्या जानू? तो तुम ना दूसरी शादी कर लेना। क्या क्या? हाँ क्योंकि तुम अकेले चांदी का ख्याल कैसे रखोगे नबील। और जानू ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सो जाओ और मुझे जरा दूध पीने दो आराम से। भाई नाश्ते वाश्ते का क्या सीन है? वे? क्या हुआ? आप इतनी सवेरे सवेरे कैसे उठ गए हैं सिद्दीक? अरे मैं तो रोज सुबह सुबह उठता हूँ मोमो, और वैसे भी मुझे ये देर तक सोने वाले लोग जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहुसत होती है। हाँ यार बंदा देर तक सोता रहे ना तो सारा दिन सुस्ती वुस्ती होती है और कोई काम भी नहीं होता ना। तो वैसे भी आपसे कौन सा कोई काम होता है? ना भी हो लेकिन बंदे को बगैर किसी काम के घर में हशाश बशाश तो रहना चाहिए ना। अवश्य अवश्य। अरे हाँ भाई, मुझे तो ये कायलों वाली नबील जैसी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त घर में पड़े रहो, कुछ भी ना करो। तो आप क्या करेंगे हैं? भाई मैं नाश्ता करूंगा। नाश्ते में क्या है? नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? इसलिए कि आज नाश्ता नसीमा ने बनाना है। कौन नसीमा? नईम की बीवी। अरे कौन नईम? मेरा पुत्र। और कौन? मोम्बो उसका नाम नबील है। नईम की बीवी का? अरे नहीं नईम का। हाँ हाँ तो नाश्ता नबील की बीवी ने बनाना है ना आज। अरे वो नाश्ता कैसे बनाएगी मोमो, रात को उस बिचारी को इतना तेज बुखार था। हाँ तो बुखार ही हुआ था ना, कौन सा मर गई है मरजानिया। मेहमान साहब बाजे। हाँ मेहमान साहब। अरे भाई क्या हो गया? चलो 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 चलो। क्या हुआ नबील? चलो आगे तो खोलो। अरे हुआ क्या है? मेहमान साहब खूबसूरत आंखे नहीं खोल रही। पुत्र सो रही होगी नेस्ती कहीं की। अम्मा जी इसको तो सांस भी नहीं आ रही। माँ जी मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? लेटी भी तो है सामने। ओ नहीं माँ जी, खूबसूरत अभी यहाँ नहीं है, नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो नबील, खूबसूरत ये रही तुम्हारे सामने? मुझे लगता है इसकी आंखें खराब हो गई हैं। इसीलिए तो आंखें नहीं खोल रही। अरे मैं नबील की बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन इसकी आंखें तो खुली हैं। माँ जी महमूद साहब मेरी बीवी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गयी। हाय मेरा बच्चा अंधा हो गया।
ओ माँ जी, मैं अंधा नहीं हुआ, मुझे सब कुछ दिख रहा है यार। ये महमूद साहब है, ये आप है, ये अलमारी है, ये पेंटिंग है यार। कल रात को तो मैं इसके लिए दूध बना के लेकर आई थी, लेकिन इस कमीने ने पी लिया। मेरी बच्ची फिर खता है, मुझे छोड़ के चली गई। कह रही थी मारी मैंने आपके लिए ना सर्दियों के लिए ना गर्म कपड़े बनवाने। अब तू अपनी बीवी का वादा पूरा करी पुत्र मेरी बच्ची। नहीं, 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 नहीं। अपनी माँ के साथ परोठा खाने से पहले चली गई मेरी शहीना। मामो खूबसूरत, ये रोमांस का टाइम नहीं है, घर में लाश पड़ी है छिछोरे। अब चांदी का क्या होगा माँ जी? चांदी छोड़ के मरी है। अरे चांदी तुम्हारी पोती। अच्छा, मेरी तो खैर है माँ जी, चांदी का से रहेगी माँ के बगैर। ओ यार महमूद साहब, आप भी ढंग से रो ले थोड़ा सा यार। रोता क्या हो, नहीं हो। माँ जी आप लोग रो क्यों रहे हैं? हाय हाय हाय, मेरी बच्ची मर गई, मुझे छोड़ के चली गई। मगर मैं तो जिंदा हूँ माँ जी। नबील देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ यार। जानो तुम कहाँ चली गई हो मुझे छोड़ के। महमूद साहब इन लोगों को बताएं मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब है मैं वाकई मर गई हूँ। अब क्या होगा महमूद साहब, चांदी का ख्याल कौन रखेगा? बहन आपस की बात है, जो तुमने ऐसी बदतमीज बहू के साथ गुजारा किया। हाँ बड़ी बदजुबान बहू थी आपकी तो। मेरी मजबूरी थी, इसका बाप हमको महीने का खर्चा भेजता था, नहीं तो मैंने कम को इसको चूल्हे में डालना था कमबख्त को। माँ जी, माँ जी प्लीज मेरी बीबी की बुराइयां मत करें। थैंक यू नबील। वो तो सिर्फ मेरे साथ बुरी थी, आपके साथ तो अच्छी थी। What? अरे क्या खाक अच्छी थी नबील? सब आप भी। अरे जो औरत अपने सुसर को शटअप बोलती हो, अरे उससे ज्यादा बदतमीज और बदजुबान कौन होगा? चले महमूद साहब लकड़ियां जमा करें। अरे तुमने क्या इसे जलाना है? और नहीं भाई, मुझे अपनी बीवी की कब्र पे दरख्त लगाना है। अमरूद का दरख्त लगवाई, इसके मरने का हमें भी तो कोई फायदा हो। महमूद साहब से उठाए मैं टैक्सी रोकता हूँ। अरे मैं अकेला कैसे उठाऊ? उठा ले। मारी मैं खूबसूरत के बगैर कैसे नाश्ता करूंगा? लेकिन क्या करूं मारी, खाली ना पेट मेरे दर्द शुरू हो जाती है। नाश्ते का बंदोबस्त करें कुछ? अभी लाई महमूद साहब, खूबसूरत के बगैर मैं कैसे नाश्ता करूंगा? तुम खूबसूरत से कितना प्यार करते हो नबील? हाँ यार महमूद साहब, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया यार। वो क्या? कल रात जब खूबसूरत जिंदा थी ना, तो उसने मुझसे एक वादा लिया था। कैसा वादा? उसने कहा था कि उसकी कब्र की मिट्टी खुश्क होने से पहले मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या? क्या? ये झूठ बोल रहा है महमूद साहब? यार नबील, खूबसूरत ऐसा कैसे बोल सकती है? और नहीं तो क्या? ओ यार महमूद साहब, उसने कहा था यार, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाएं जाके उससे पूछ ले, जहाँ वो है वहाँ चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, कहा होगा यार महमूद साहब, हम खूबसूरत को कैसे बुलाएंगे यार? तुम्हारी नीयत देख के लगता है नबील कि तुम तो उसे भूल चुके हो। तुम्हारी माँ को वैसे ही भूलने की आदत है। रहा मैं तो 3-4 दिन में मैं भी भूल जाऊंगा। वेरी गुड महमूद साहब, अब मुझे अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है।
मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो जो तुम दूसरी करोगे वो शादी होगी? हाँ जी। ओ माँ जी, जरा मोहल्ले में चेक करें कौन सी अमीर लड़की फारिग है। नहीं। मेरी बेटी चांदी, चांदी बेटा मत रो। मुझे मम्मा की याद आ रही है। चांदी मेरी बच्ची। मेरी जान भूल जाओ अपनी पुरानी मम्मा को। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा नई मम्मा लाएंगे, पहले से भी अच्छी। नबील तुम कितने घटिया आदमी हो, मेरी मासूम सी बच्ची को पटियां पढ़ा रहे हो। तुम इसके लिए सौतेली माने कराओगे? मेरी बेटी कभी नहीं मानेगी। नबील मुझसे बहुत प्यार करती है। सच पापा, मेरे लिए नई मम्मा लेके आएंगे। चांदी? हाँ बेटा। गोल्डन बालों वाली? हाँ मेरी जान, अगर गोल्डन बाल ना भी हुए ना उसके तो हम करवा देंगे। थैंक यू पापा, नई मम्मा कब आएंगी? बेटा बहुत जल्द आएगी तुम्हारी नई मम्मा, मैंने माँ जी को काम पे लगा दिया है। ये कोको जाको एक लंबा गड़ गड़ गंबा गड़ गड़ गंबा का। नहीं 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 मोमो, कोई मजा नहीं आया। चुप करें, ये तस्वीरें आपके लिए नहीं लाई हूँ, अपने पुत्र की दूसरी शादी के लिए लाई हूँ मैं। मोमो चिढ़ दिए मुझे। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं नबील। पुत्र हम तेरे लिए ना लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हैं। वाह जी, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। अरे सबर करो यार, पहले हमें तो देख लेने दो। ओ महमूद साहब, मेरे लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं यार? माँ जी मैं अपने लड़की खुद देखूंगा यार। नबील तुम इस वक्त सोग में हो। ओ महमूद साहब बस कर दे, मैं इतने भी सोग में नहीं हूँ कि लड़की ना पसंद करूँ। दिखाएं माँ जी। ओ माँ जी इस लड़की का नाक बहुत मोटा है यार। ओ माँ जी मोटी नाक वाली लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे आगे और भी है देखो तो। ओ माँ जी इसका रंग कम है यार। ओ तो क्या हुआ, अपने लोहे और कांसी से कह के ना इस पे ज्यादा सफेदा रंग करवा देंगे। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही है, मुझे दूसरी शादी के लिए लड़की बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। नाक कान आंख बाल सब परफेक्ट। हाँ हाँ महमूद साहब, लड़की कम अज कम मेरी टक्कर की तो हो ना। अरे इतनी मैली लड़की कहाँ मिलेगी नबील। देख पुत्र ये देख, इसको देख। ये ठीक है माँ जी, ये पुत्र इसका बाप भी अमीर है तो ये इकलौती भी है। बेहतरीन माँ जी, इस लड़की को बुलाएं। महमूद साहब आप पार्टी अरेंज करें, इस घर में जश्न होगा। जश्न वो जो घर में होगा वो जश्न होगा। हाँ जी आजे माँ जी आजे, अंदर चल के करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो, मैं लड़की हूँ। मैं भी लड़की हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं एक हसीन और जवान लड़की हूँ। एक्सक्यूज मी। नो नो एक्सक्यूज, पार्टी आवर होम ना, तो माय सन वेडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं ना हूँ। तो जाके घोंसले में बैठ, इधर क्यों आई है भाई? मैं तो शादी के लिए आई हूँ। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है। ओह गॉड, आपके घर में कोई नॉर्मल आदमी है? कहाँ भेज दिया है, यहाँ पे तो कोई पागल आंटी रहती है। आप मुझे लड़के का नाम बताएं। नबील। ठीक है मैं फिर से ट्राई करती हूँ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। आप कौन? मैं मैना। और आप कौन? मैं तोता बोलने वाला। वो दरअसल मैं यहाँ पे लड़का देखने आई हूँ शादी के लिए। अरे तो देखे ना, मैं ही तो हूँ वो राजा इंदर। आप हिंदू हैं? नहीं जी, शक्ल से लगता हूँ, वरना मेरी क्या औकात। ओह हाय हाय, आप बोल्ड भी है और ब्यूटीफुल भी। जी थैंक यू। वैसे आप ही काफी हैंडसम है। यकीन नहीं आया। कैसी बातें कर रही हूँ मैं ना, मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। अब आ गई हो तो छोड़ के मत जा। ओके थैंक यू। आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे नबी? अंदर अंदर सब हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या? अरे देखो बात देखो बात, अंदर ही चलते हैं। आए 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 प्लीज आए। पास करो पास करो पास करो पास करो, बच्चों जाओ कमरे में खेलो। चलो चलो
चलो अब माँ जी आप तो रुके ना यार वहाँ। नबील की लड़की कौन है? मैं वो साव लड़की आ गई है और आते ही इसने मुझे अपना दिल भी दे दिया है। ओए लड़की तू अकेली यहाँ क्यों आई है? माँ जी ये लड़की अकेली नहीं आई, मेरे साथ आई है। क्यों मैं ना? जी जी। और ये अपने माँ बाप को साथ लेके क्यों नहीं आई है? हाँ भाई तुम अपने माँ बाप को साथ लेकर क्यों नहीं आई हो? शादी मैंने करनी है, मेरे माँ बाप ने नहीं। माँ जी मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी। पहले तुम कहाँ थी मैं ना? जहन्नम में। मैं इतने अरसे से तुम्हारी तलाश में तो था मैं ना। तुम कितने घटिया हो नबील। तुमने कुछ कहा? नहीं तो मुझे लगता तुम्हारी आंखों ने मुझसे कुछ कहने की कोशिश की है। नबील कुछ खुदा का खौफ करो, हमारे यहाँ बच्चे भी हैं। ओके मैं हूँ साहब। माँ जी आप तो ना कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करें, तब तक मैं और मैना लॉन में जाके ना कुछ प्राइवेट बातें कर लेते हैं। ओके आओ मैना आओ। नबील नबील। मोमो ये इस घर में क्या हो रहा है? ये चिड़िया तो बड़ी बेशरम निकली है। मैना। हाँ जी बोलिए। आ जाओ मैना आ जाओ, आओ बैठो ना प्लीज बैठो। और सुनाओ। क्या सुनाओ? मैं तुम्हें कितना पसंद आया। बहुत है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। यही तो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे तुम्हारी। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइम दे। मैं हूँ वो लड़का जिसके पास आज की मसरूफ दुनिया में टाइम ही टाइम है, और वो सारे का सारा टाइम मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। सच? मुझ बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या? अगर मैं शादी के बाद कोई नौकरी वोकरी करूंगा तो फिर मैं तुम्हें कैसे टाइम दूंगा? आ गए ना घटिया आदमी अपने मतलब की बात पर। अरे आपको क्या जरूरत है नौकरी करने की? सच? अरे मेरे डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, वो किस दिन काम आएगा? तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो मैना। तुम पहले कहाँ थी? पहले मैं मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगा रही थी, लेकिन आखिर में आप लोगों ने चांस दिया। तो बस फिर इसी बात पे तुम भी मुझे एक चांस दो। मुझसे ज्यादा आला नस्ल जोरू का गुलाम तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मुझे पता है। तो फिर शादी डन करें? हाँ हाँ डन। तो आओ फिर एक साइड पे होके इस खुशी में थोड़ा डांस कर लेते हैं। आ जाओ कम ऑन कम ऑन। नबील ये मत करो। नबील मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? क्या हुआ जानू? घटिया आदमी तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? जानू मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बकवास मत करो नबील, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे। इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी नबील। जानू 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 जानू।